हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पंकी म्यूजिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एक सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में। सॉन्ग स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सब लोगों को नहीं पता होती। आप एक लिरिक्स लिखने वाले बंदे हैं या आप अपना खुद का सॉन्ग कंपोज करते हैं, आप गिटार पर, कोई भी आप प्रोफेशन से हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक सॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको वो चीज़ क्लियर होगी तो जो भी सॉन्ग आप बना रहे हैं, जो भी लिरिक्स आप लिख रहे हैं, आई थिंक उसमें ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और इस तरह से मुझे अपना सॉन्ग जो है वो कम्प्लीट करना है। अब बात रहती है कि सॉन्ग स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, सॉन्ग जब हम कोई कंपोज करते हैं या बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको वो सारी टर्म्स क्लियर कर देता हूँ कि वो टर्म्स क्या होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, और जब हम सॉन्ग बनाते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन टर्म्स के। आप कौन सी टर्म को पहले यूज़ करते हैं, कौन सी टर्म को बाद में यूज़ करते हैं, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस, मैं बहुत ही फेमस जो सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड से या EDM सॉन्ग जो हॉलीवुड के हैं, मैं वो सॉन्ग लूँगा और आपको मैं एकदम लाइव बताऊँगा कि ये वाला पार्ट यहाँ पर इसलिए लगाया गया है और इसका ये मतलब होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड आई होप यू विल लाइक इट। और प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा आप मेरे लैपटॉप पर थोड़ी ही देर में, बट उससे पहले हम बात कर रहे थे कि वो म्यूज़िक की टर्म्स होती क्या है एक सॉन्ग के अंदर। तो दोस्तों, जब भी हम कोई सॉन्ग कंपोज करते हैं, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली चीज़ जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन या हम इंट्रो बोल सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? अब इंट्रोडक्शन जो है आपका, एक तरह से आप उसको सॉन्ग को स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने सॉन्ग को जो है उसकी पहचान शुरू में बता रहे हैं कि ये सॉन्ग इससे रिलेटेड है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, आपके सॉन्ग में हो। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सीधा वर्ड से या कोरस से स्टार्ट हो जाते हैं, बट इंट्रोडक्शन अगर आप अपने सॉन्ग में लगाते हैं, डालते हैं, तो ये एक अलग ही फ्लेवर आपके सॉन्ग को देता है। तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन की। नाउ सेकंड पार्ट जो आपका आता है वो होता है वर्स। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। वर्स जो होता है वो आपकी मेन स्टोरी होती है। कोई भी सॉन्ग आप कंपोज करते हैं, आप उसका उसमें कहना क्या चाहते हैं, आपका मीनिंग क्या है, आप किस चीज़ को वो डेडिकेट कर रहे हैं, दैट इज वर्स। ये आपकी पूरी सॉन्ग की थीम कह सकते हैं या आपके पूरे सॉन्ग की, आप इसे स्पाइनल कॉर्ड, आप इसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो थ्रू आउट आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपका वर्स जो है वो मेन आपकी सॉन्ग की स्टोरी बताता है। अब वर्स रिपीट होता है, ठीक है, वर्स वन, वर्स टू, वर्स थ्री। तो आप थ्री जो है वो मैक्सिमम लोग नहीं लगाते, दो वर्स दो कोरस के साथ हमारा सॉन्ग कंपोज हो जाता है। बट वर्स को आप इस तरह से पहचानिए कि ये आपकी थीम है, ये आपकी स्टोरी है, आपके इस सॉन्ग का जो होल मीनिंग है वो वर्स के अंदर आता है। नाउ उसके बाद आता है कोरस। नाउ कोरस जो चीज़ है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कोरस वर्स से बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि कोरस जो है वो आपका, एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपका थोड़े थोड़े इंटरवल में रिपीट होता है, ठीक है। आपके जो सॉन्ग की जो थीम है, जो उसका मीनिंग है, ये उसको डिफाइन करता है। ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता पूरे सॉन्ग में। जैसे कि आपका वर्स जो है वो चेंज होता है, आपका पहला, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरा, अंतरा एक, अंतरा दो, तो आपका वर्स चेंज होता है, आपका कोरस थ्रू आउट द सॉन्ग सेम रहता है। सेम रहने का मतलब उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं इधर उधर, बट वो जो है आपका, एक तरह से हम पीछे से उसे आपके सॉन्ग में थ्रू आउट वो एज अ रिदम चलता रहता है, तो वो होता है आपका कोरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक कंप्लीट सॉन्ग बनाती हैं। इसके बाद हमारा लास्ट में आता है आउट्रो। आउट्रो मतलब जब आप अपने सॉन्ग को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये टर्म यूज़ होती है जब आप अपने सॉन्ग को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा आउट्रो। तो किसी भी सॉन्ग को आप उठा के देखें तो ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई, इंट्रो, वर्स, कोरस और आउट्रो, ये जो चीज़ें हैं ये मेनली वाइडली यूज़ होती हैं। आप बहुत सारी टर्म्स जो है इंटरनेट पर सर्च मारेंगे मिल जाएंगी आपको, मैं उनके बारे में अभी बात भी करूँगा, बट किसी भी सॉन्ग को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो यही होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई। अब इनके अलावा और कौन सी टर्म्स किसी भी सॉन्ग में यूज़ होती हैं? अब एक टर्म होती है हुक, ठीक है। हुक का मतलब क्या होता है कि आपने कोई, जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट हुक कर दिया हमने, हुक मतलब ये एक बहुत कैची सी चीज़ होती है, कैची लाइन हो सकती है, एक कैची इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, जो बहुत ज़्यादा रिपीट भी हो सकता है, प्लस ये आपके सॉन्ग को क्या कहते हैं, जो आपका मेन
जो आपकी थीम है पूरे सॉन्ग की, राइट, उससे अलग हटकर अगर आप अपने सॉन्ग को पहचान देना चाहते हैं, अपने सॉन्ग के अंदर कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर हुक डालते हैं। हुक जिस, जैसा कि मैंने बताया कि ये आप ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट करने के लिए है, जिसमें आपका कोई भी एक बीच में, जैसे रैप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने सॉन्ग को बनाते हैं हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स में, आप देखेंगे कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि आप जो है रैप उसके अंदर बीच में डालते हैं, पंजाबी का रैप, इंग्लिश का रैप, ठीक है, तो एक तरह से वो हुक होता है, वो आपके सॉन्ग को जो है एक अलग ही स्टेज पर लेकर जाता है, तो होता है हुक। तो ये टर्म भी आपको सुनने को मिल जाएगी। अब इनके अलावा अगर आप इंग्लिश म्यूजिक को देखें तो उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जिनमें से एक टर्म है जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है, वो होती है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप मतलब कि आप एक इंग्लिश सॉन्ग को जब कंपोज करते हैं तो आप एनर्जी जो है, ठीक है, आप एनर्जी बिल्ड करते हैं, आप शुरू से एनर्जी को लेकर आते हैं एकदम हाई लेवल तक, और जब ऑडियंस एकदम उस माइंडसेट में आते हैं कि हाँ यार अब डांस शुरू करना है, अब एनर्जी एकदम फुल हो गई है, तो वहां से आपकी शुरू होती है ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप जो टर्म है वो मेनली ईडीएम ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत वाइडली यूज होती है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। जब हम मेरे लैपटॉप पर अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो है वो ड्रॉप कहलाती है। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज मतलब हिंदी में अगर हम बोलें, शुद्ध हिंदी में, तो होता है पुल, जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपका इंट्रो स्टार्ट हुआ, अब जरूरी नहीं है कि आपका ब्रिज जो है वो सॉन्ग में एकदम लास्ट में जाके आए या कहीं बीच में आए, ब्रिज आपका कहीं भी हो सकता है, सिर्फ उसका काम यह है कि उसका कनेक्ट करना है आपके सॉन्ग के दो पार्ट्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर एक सॉन्ग का इंट्रो स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद एक ब्रेक आता है, नाउ ब्रेक अगेन एक टर्म है, तो ब्रेक मतलब रुका, वहां पे रुक गए हम एकदम से, हार्ड स्टॉप किया, एंड देन वहां से कुछ नया स्टार्ट हुआ, दैट इज ब्रेक। तो ब्रिज की मैं बात कर रहा था कि आपका इंट्रो स्टार्ट हो रहा है, देन आपका ब्रेक आता है, मतलब तो आपका जो नॉर्मल थीम चल रहा है, आपका जो नॉर्मल रिदम चल रहा है इंट्रो में, आपका कोई भी गिटार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसके अलावा बैक एंड से एक चीज उठकर आएगी, मे बी एक एकदम व्हाइट नॉइज या हाई राइजर या कोई भी सिंथ एकदम ऐसे लो वॉल्यूम से एकदम हाई पे आएगा एंड देन एकदम से छोड़ देगा। सो दैट इज ब्रिज, जो आपके ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करता है, या अगर आप अपने इंट्रो को कनेक्ट कर रहे हैं अपने वर्ड्स के साथ या कोरस के साथ, जिसके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो ब्रिज एक कनेक्शन का काम करता है। तो एक बार मैं सारी टर्म्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स जो है हमने डिस्कस कर ली हैं, बट एक बार इन सबको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमारा इंट्रो, ठीक है, इंट्रो के बाद हम आपका शुरू होता है वर्ड्स, देन कोरस, ठीक है, देन उसके बाद फिर वर्स, फिर कोरस, आप कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। नाउ दो पार्ट्स को जब ज्वाइन करना होता है तो हम यूज करते हैं ब्रिज, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा एक होता है हुक, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हैं आपको सारे सॉन्ग्स में तकरीबन देखने को मिल जाएंगी, हॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, कोरियन सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स, एनी सॉन्ग्स आप ले लीजिए, यही सारी टर्म्स हैं जिनके अंदर सॉन्ग बना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सर ये चीज़ आपने मिस कर दी, तो आई होप कि मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिकल क्विकली एंड देन वी विल सी के हमारे पास जो ये सारी टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो चलिए गाइस देखते हैं वो प्रैक्टिकल जिसके हम कर रहे थे बात, और मैं आपको क्विकली तीन सॉन्ग्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पार्ट सुनवाऊंगा और उनके लिरिक्स जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि जो भी टर्म्स हमने डिस्कस करी हैं, जो भी टर्म्स मैंने आपको बताई, कोरस, वर्स, इंट्रो, हुक, जो भी चीज़ थी, वो डायरेक्टली आपके सॉन्ग से किस तरह से रिलेट होती हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा एक बहुत ही फेमस सॉन्ग जो कि बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था, तुम ही हो, आशिकी 2 से अरिजीत सिंह का गाया हुआ सॉन्ग है। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने शायद ये सॉन्ग नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपको सुना दूँ। जुदा क्योंकि तुम ही हो, जिसके हम बात कर रहे हैं पहले, और इस सॉन्ग को मैं पूरा प्ले या थोड़ा ज्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, कॉपीराइट बहुत जल्दी कैच हो रहा था यूट्यूब पर। तो कहने का मतलब यह है कि इस सॉन्ग की मैं सबसे पहले बात करूंगा, और इस सॉन्ग को अगर मैं खोलूं तो इसके लिरिक्स इस समय मेरे पास हैं,
तो ये सॉन्ग स्टार्ट होता है हमारा सीधा वर्ड से, ठीक है? आपने इस सॉन्ग को सुना होगा, तो इसमें सीधा स्टार्ट होता है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो ये एक स्टोरी है, एक एक जो लवर है अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके लिए इसने ये चीज़ कही है कि दिस इज द सिचुएशन। तो उसने डायरेक्टली जो स्टोरी है पूरा जो थी मैं वो यहाँ से स्टार्ट किया, सो दिस इज हमारा वर्स, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ जो हमेशा रिपीट होती है, मैंने क्या बताया था कि कोरस जो है वो बिना किसी चेंज के हमेशा रिपीट होता रहता है। तो इसमें रिपीट होने वाली चीज़ हमारी क्या है, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तो ये चीज़ हमारी बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट होती है और बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो ये हमारा हो जाता है कोरस, ठीक है? तो पहले वर्स आया, देन कोरस आया, ठीक है? उसके बाद हमारा फिर से वर्स आता है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टांजा आता है, ठीक है? उसके उसमें क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तो ये हमारा पूरा स्टांजा, अगेन कोई स्टोरी बता रहा है, वो अपना हाल बता रहा है। तो ये वाली चीज है, ये हमारी वर्स हो गई। देन उसके बाद फिर से वही आ गया, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। तो ये रिपीट होगा। तो स्टोरी क्या बनती है, वर्स कोरस वर्स कोरस। तो इस तरह से जो हम सॉन्ग है हमारा प्रोग्रेस हुआ। अब मैंने ब्रिज एक टर्म बताई थी, ब्रिज हर सॉन्ग में नहीं होता बट यहाँ पर यूज हुआ है। आपको ध्यान होगा कि सॉन्ग में बीच में एक बार क्या होता है कि पूरा सॉन्ग बिल्कुल धीरे हो जाता है, और उसमें अरिजीत सिंह ने एक आलाप लिया है तुम ही हो ऐसे करके, बहुत मुझे तो गाना नहीं आता, तो वो वाला जो आलाप है उन्होंने लिया है लंबा सा, तो वो हमारा ब्रिज था, क्योंकि वो एकदम स्लो हो गया और उसके बाद उसने कनेक्ट किया हमारे नेक्स्ट वर्ड्स के साथ, जो कि हमारा दोबारा से एक स्टांजा ही है। तो ये तेरे लिए ही जिया मैं, ये वर्स आ गया, एंड देन तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, हमारा कोरस। तो कहने का मतलब है कि आप इंट्रो से स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप वर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये सॉन्ग स्टार्ट हुआ था, बहुत ही हिट गया था। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, वर्स कोरस देन आउट्रो। अब आउट्रो इस सॉन्ग में क्या होगा, अब आउट्रो जब ये सॉन्ग खत्म होता है तो ये तुम ही हो से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम ही हो इस टाइप से, तो वो धीरे धीरे करके खत्म होता है। तो हमारा जो कोरस था उसी को हमने आउट्रो बोला, ठीक है? आउट्रो मतलब जहां पर आपका सॉन्ग एंड हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी सेपरेट लाइन से एंड करें, हमेशा हमारा जो थीम होती है, जो कोरस होता है, उसी से हमारा सॉन्ग एंड होता है और उसको हम कहते हैं आउट्रो, ठीक है? अब मैं आपको एक सॉन्ग ऐसा दिखाऊंगा जहां पर कि इंट्रो यूज हुआ था। हमने इंट्रो की बात की थी, अभी सॉन्ग में इंट्रो हमारा था नहीं, तो नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ हम चलेंगे। ये है तुझे भुला दिया, बहुत बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट्स। 2010 में एक मूवी आई थी अनजाना अनजानी, तो मैंने तो मूवी तो नहीं देखी बट उसका जो सॉन्ग है ये बहुत कैची था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, हिट हुआ था। अब इसमें इंट्रो यूज हुआ था, अगर आपको अभी भी सॉन्ग ध्यान नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पार्ट शायद सुना पाऊं। लगियां बारिश आते सूखे सूखे सपने बिपज गए। ये वाला पार्ट जो स्टार्ट हुआ था पंजाबी में, इट वाज सो अमेजिंग, और ये सॉन्ग का इंट्रो था जिसकी वजह से पूरा सॉन्ग जो है उसको एक अलग ही फील आई, और सॉन्ग इतना हिट गया। तो इसके जो लिरिक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो लिरिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, नैना लगे बारिश। तो ये हमारा होगा इंट्रो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो सॉन्ग में कहीं भी रिपीट नहीं होता, शायद एक बार लास्ट में कहीं जाके रिपीट हुआ है बीच में स्लो करके, बट ऑल ओवर इट इज एन इंट्रो। उसके बाद हमारा वर्स स्टार्ट होता है, काली खाली खाली रातों में। तो ये हमारा मेन थीम ऑफ द सॉन्ग है, सॉन्ग का थीम है, इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो बन रही है, ठीक है? उसके बाद कोरस क्या है, तुझे भुला दिया, तुझे भुला दिया जो पार्ट है वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, तुझे भुला दिया। तो ये वाली लाइन जो है वो रिपीट होती रहती है, तो ये हमारा कोरस हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर को समझना। तो इंट्रो वर्स कोरस देन अगेन वर्स आ गया, तेरी यादों में लिखे जो, तो ये वाला जो पार्ट है अगेन एक स्टोरी वाली पार्ट आ गई, तो ये वर्स हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा सॉन्ग जो है प्रोग्रेस करता है, और लास्ट में जाके तुझे भुला दिया पर ये एंड हो जाता है, जो कि हमारा कोरस था और वही उसका आउट्रो बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो ये वाली टर्म्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस करी थी आपसे डिटेल में, वो इस तरह से सॉन्ग में यूज होती हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप शुरू कीजिए इंट्रो से, अगर आप इंट्रो नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं वर्स से, देन वर्स कोरस एंड देन योर आउट्रो, ठीक है? इस तरह से आपका सॉन्ग जो है पूरा बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सॉन्ग का एक स्ट्रक्चर। मैंने बात की थी एक वेस्टर्न सॉन्ग के साथ कंपैरिजन की, तो मैं आपको एक सॉन्ग ऐसा सुनाऊंगा जिसमें बिल्कुल भी लिरिक्स नहीं है, एक छोटा सा पार्ट आता है लिरिक्स का, एक एक्चुअली एक लाइन है, और वो लाइन मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि इट इज एन अब्यूजिंग, उसमें थोड़ा सा अपशब्द कह सकते हैं वो यूज हुआ है। तो वो मार्टिन गैरिक्स का एक सॉन्ग था एनिमल्स, आई थिंक 1.3 बिलियन व्यूज हैं इसको
इंटरनेट पर, और आप इस सॉन्ग को देखेंगे इसके अंदर सिर्फ म्यूजिक है, कुछ भी नहीं है, कहीं बीच में जाकर एक लाइन बोली गई है एंड देन इट इज अ मैसिव हिट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से सॉन्ग की बात कर रहा हूँ। यह है एनिमल्स बाय मार्टिन गैरिक्स। अब ये वाला पार्ट चलता रहता है, ये हमारा इंट्रो हो गया, ठीक है, सिर्फ बीट, इसमें कोई लिरिक्स नहीं है। अब बीच में थोड़ा सा इसमें एक ब्रिज आएगा, ये वही वाला पार्ट था। तो आप सिंथ के बाद सुनिए, ठीक है, ये एकदम थोड़ा सा पीछे से ब्रिज आया, मतलब एक सिंथ का साउंड आया एंड देन एकदम ब्रेक आया। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका सीधा वर्स स्टार्ट होता है। वर्स मतलब जरूर नहीं है कि आपका सिर्फ लिरिक्स का ही वर्स हो, म्यूजिक का भी वर्स होता है। तो इसका जो मेन लीड है वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका मेन लीड है या वर्स है। उसके बाद इसमें एक ब्रिज आता है अगेन, जैसा कि मैंने आपको ये पहला वाला भी एक ब्रिज था, फिर बीच में एक ब्रिज आएगा, उसके बाद एक्चुअली ड्रॉप स्टार्ट होती है इसकी। तो ड्रॉप मैं आपको सुनाता हूँ कि इसकी ड्रॉप जो है वो बहुत ही ऑसम है। ये ब्रिज है मेरा एंड देन तो ये जो है इसका ड्रॉप है। ठीक है, तो ड्रॉप मतलब इसका तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है हमेशा से ये। तो कहने का मतलब ये है कि इस सॉन्ग का अगर आप देखें तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इंट्रो से सिर्फ म्यूजिक स्टार्ट किया, कोई लिरिक्स नहीं है, सिर्फ एक लाइन है देन मैसिव हिट। इतना शायद हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स इतना हिट नहीं कर पाते जितना एक सॉन्ग ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसिव सॉन्ग्स इन हिस्ट्री, मतलब ये उन सॉन्ग्स में से एक है। तो आप अगर एक ईडीएम म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, आप एक डीजे हैं, तो बेधड़क होकर म्यूजिक बनाइए, परवाह मत कीजिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे अच्छा लग रहा है, बस जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल में से निकल गया था यार कि यहाँ ये पार्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ये, बिल्कुल बेधड़क होकर बनाइए। अगर आप बॉलीवुड के हिसाब के म्यूजिक बनाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, कोरस वर्स जैसा मैंने बताया। तो ये था मेरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए, बताने के लिए कि सॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो डिटेल्स हैं वो कवर की हैं। इसके साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कुछ सजेशंस हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इस वीडियो को बनाने में, तो मुझे भी आपके लाइक्स का फ़ायदा होता है, मुझे एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों ने देखा, लाइक किया, उन्होंने सराहा, तो मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं। और उसके साथ ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं अभी आई टेक यू लीव नाउ, मैं इस वीडियो को करूँगा एंड और बहुत ही जल्द मैं आऊँगा आप लोगों के सामने विद अ न्यू वीडियो, न्यू ट्यूटोरियल, जहाँ पर हम कुछ और म्यूजिक रिलेटेड बात करेंगे और ऐसे हमारी लर्निंग चलती रहेगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।